सो हेलो गाइज, वापस से स्वागत है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के मेरे पार्ट 3 में। अगर आपने मेरा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा तो आप जाके मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो पार्ट 1 में हमने यहाँ पे बहुत खतरनाक काम किया था, वो तो आपको चैनल पे जाके आपको चेक करना ही पड़ेगा। और हमारे पार्ट 2 में मैंने यहाँ पे अपना एक शॉप खोला था जो कि साइकिल का मेरा शॉप था। और पार्ट 1 में आप जाके एक बार एक चैनल पे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आई है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे। जितने भी अपडेट होते हैं इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D से रिलेटेड वो सभी मेरे चैनल पर मिल जाते हैं। इसी बात पर वीडियो को लाइक लगे हाथों कर दीजिएगा। और ये पार्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है, साथ साथ ये पार्ट को आप देख के आप बिल्कुल चौंक जाओगे, क्योंकि हम आज यहाँ पे हम एक स्कूटी बाइक का हम यहाँ पे शोरूम खोलने वाले हैं। पिछली बार में हमने यहाँ पे एक साइकिल का शोरूम खोला था, अभी तक हमने नहीं देखा, तो पार्ट 2 पे जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छा हमने यहाँ पे शोरूम खोला था, आप वो जाके मेरे चैनल पे जाके आप चेकआउट आप उसे कर सकते हैं। सो इस पार्ट में हम करने क्या वाले, इस पार्ट में हम यहाँ पे हम एक बाइक से शोरूम करेंगे, बाइक हम नहीं हम मतलब एक स्कूटी की शोरूम खोलेंगे और अपने मालिक से बातचीत करेंगे कि आप वो हमें कुछ पैसे या फिर नहीं। पैसे तो गाइज हमने बहुत कमा लिए है, 5,000 में पर डॉलर हो चुके हैं। और हमारे यहाँ पे शोरूम खोलने वाले एकदम स्कूटी की बहुत अच्छी हमारे यहाँ पे शोरूम खोलने वाले हैं। वीडियो पे अभी तक आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कई लोगों को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो देखने के बाद भी। गाइज़ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो ये कोई गलत बात हुई, गाइज़ आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ही है। तो यहाँ पे मैं अपनी बाइक लेके चल गया हूँ, शायद से मुझे KTM बाइक लग रही है। गाइस क्या आप जानते हैं इस बाइक के बारे में? भाई मैं तो नहीं जानता भाई, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ इसे KTM बाइक। भाई हमारे सर का ऑफिस बाइक किन किन बंदों को पता है, भाई हमारे सर का ऑफिस बाइक किन किन बंदों को पता है वो कमेंट कर देना। ये हमारे सर का ऑफिस है, अभी मैं ऑफिस से बात करके आता हूँ। क्या वो मेरे लिए एक स्कूटी मंगा सकता है? कम से कम हम 5 स्कूटी मंगाएंगे, पिछली बार भी हमने यहाँ पे साइकिल मंगाई थी, इसलिए कह रहा हूँ पार्ट 2 जाके देख ही लेना गाइस, क्योंकि पार्ट 2 बहुत ही ज़्यादा अच्छा था मेरे यहाँ पे पार्ट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उनसे पूछ लेता हूँ क्या वो मेरे लिए 5 स्कूटी मंगा सकते हैं। मेरे पास 5,000 डॉलर तो हो ही चुके हैं वैसे भी, तो मैं जा रहा हूँ गाइज यहाँ पे अपने बॉस से बात करने के लिए। तो वीडियो पे नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज फाइनली मेरे बॉस से बातचीत हो चुकी है, बॉस ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए स्कूटी मंगा सकता हूँ। वैसे भी स्कूटी का यहाँ पे जल्दी रेलवे गाड़ी आने वाला है और यहाँ पे तुम्हारी स्कूटी कुछ ही देर पे बस 10 मिनट में यहाँ पे तुम्हारे एयरपोर्ट पे डिलीवरी हो जाएगी। तो गाइज 10 मिनट तक तो मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, और अभी तक आपने बस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, और साथ साथ लगे या तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। भाई चैनल को भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे कमेंट करे क्यों भाई आप तुम सब सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलो गाइस तब तक मैं यहाँ पे एक बार स्टंट करते हुए चलते हैं। भाई हमारा भाई पिछला बार का जो स्टंट था बहुत ज़्यादा अमेजिंग था भाई, बहुत ज़्यादा अमेजिंग था भाई, मैं बहुत ऊपर तक गया था भाई। अभी तक आपने वो स्टंट नहीं देखा है तो जाके एक बार इस चैनल पर जाके चेकआउट कर लेना। मुझे लगता है वो बाइक वो मेरी स्कूटी आ चुकी होगी। तो सबसे पहले मैं इस बाइक को घर पे रख के आता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे साइकिल लेके निकलूँगा भाई, वो बाइक वाइक लेके मैं नहीं निकलता भाई यहाँ पे। भाई चोरी बड़ी होती है भाई इंडियन बाइक ड्राइविंग भाई, वैसे भी भाई कभी कभार बाइक गायब भी हो जाती है भाई। ओ भाई मेरी हेल्थ, ओ भाई ऐसे तो भाई मैं मर जाऊँगा भाई, मेरा यहाँ पे ओ भाई टावर भी गिर चुका भाई साहब, एक्सीडेंट हो गया भाई सब। आप क्या कहना चाहोगे कमेंट करो भाई, भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया भाई, तुम सब क्या कहना चाहोगे यार, तुम सब तो बचाए नहीं यार मुझे तक। चलो भाई अपनी साइकिल लेके चलते हैं, और तेज़ी से मैं भागते हुए अपने घर पे आ रहा हूँ। और मुझे अपने घर को भी अभी मॉडिफाई करना है, न्यू घर आने वाला है गाइज, एक न्यू अपडेट में मुझे पता चला गाइज एक न्यू घर आने वाला है, उसकी वीडियोज़ मेरे चैनल पर जल्दी आ जाएगी, और वो उसकी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आज या कल आ चुकी होगी। बस आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि वो जैसे ही उस बारे में अपडेट आए न्यू घर मिलने वाला है गाइज इस गेम में। और यहाँ पे मैं जल्दी से पहले निकल जाता हूँ, मुझे यहाँ पे चलो गाइज, ये पता नहीं गाइज इस गेम में सबके एक्सीडेंट ही होते हो भाई। अब बस मुझे ओ भाई यहाँ पे मैंने टावर गिरा दिया था गाइज, ओ भाई आगे एक सामने बंदा भाई, अरे भाई देख के तो चल जाएगा नशेड़ी। ए भाई कैसे कैसे लोग घूमते हैं भाई, वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा गाइज, एक कॉमेंट जरूर कर देना, मैं कई लोगों को देखता हूँ जिसके कॉमेंट गाइज में अच्छा होगा ना, मैं उसको ना गाइज मैं उसको अपने वीडियोज़ के अंदर उस कमेंट को शो करूँगा, जिसका भी कमेंट अच्छा हो तो एक कमेंट जरूर कर देना। मैं पहले ही बता देता हूँ भाई तुम्हारे को, भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो। ओ भाई ये साइकिल तो बहुत ज़्यादा स्टंट मारती है भाई, हमारी 5 स्कूटी का आज शोरूम खुलने वाला है, और भाई देखते भाई हमारा स्कूटी का यहाँ पे शोरूम कैसा होगा। भाई एयरपोर्ट आ गया भाई, एयरपोर्ट का रास्ता तो यार भाई सबको पता ही होगा। अरे भाई आराम से चलते हैं, और भाई लेडीज़ क्यों खड़ी है भाई? ओ भाई 5 है भाई, बॉस तो भाई बिल्कुल रियल वाला है भाई, हमारे पैसे भी कट गए भाई, $2,000 के भाई हमारे यहाँ पे भाई ये सब आ चुके हैं, बाइक ये स्कूटीज आ चुके, एक्टिवा का स्कूटी है भाई, एक्टिवा का स्कूटी है।
ये मैंने अपनी बाइक को रोकी, चलो भाई बाइक नहीं थी यार, साइकिल थी। ओ भाई स्कूटी, भाई बॉस ने तो इस बार ही अच्छा काम किया। गाइज ये बॉस तो अच्छा है भाई, अगर आपने पिछला वाला बॉस नहीं देखा ना, वो बड़ा खड़ूस बॉस था यार। ओ भाई पांच स्कूटी भाई, चलो भाई बॉस पे भाई मुझे विश्वास हो गया। चलो भाई एक एक स्कूटी लेके चलते हैं यार। इस बार भाई वीडियो को मैं बिल्कुल कोई भी पार्ट मिस नहीं करूँगा। कई लोग कहते हैं ना भाई साहब आप पार्ट मिस कर देते हो, तो ऐसा कुछ नहीं गाइज, इस बार एक भी पार्ट मिस नहीं करूँगा। इस बार आप पूरा पार्ट देखना, तो भाई मुझे भी दिखाने में अच्छा लगता है भाई। वीडियो पर आराम से बैठ कर देखना भाई, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ भाई, आराम से देखना। चलो भाई अब चलते हैं। अरे भाई एक्सीडेंट हो गया सामने, भाई गाड़ी चल रही है। अब अपने भाई रोड का नियम का पालन करना चाहिए गाइस। मैं पहले बता दूँ, एक बार बात बता देता हूँ गाइस, कभी भी अगर आप कहीं पर भी चल रहे हैं, रोड के नियम का पालन करना चाहिए। मतलब गाइस ये गेम है, पर असलियत में भी हमारे साथ एक्सीडेंट हो सकता है। सो आपको यहाँ पे रोड देखना है, जिस तरफ से गाड़ी आ रही है और जिस तरफ से गाड़ी जा रही है, आपको सेम उसी तरीके से चलाना है। और ये जैबरा क्रॉसिंग आप देख सकते हो, तो ये जैबरा क्रॉसिंग होती है, देख सकते हैं। ये जैबरा क्रॉसिंग में आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है ताकि कोई लोग रोड पार करे, तो वो जैबरा क्रॉसिंग से ही ज़्यादातर लोग यहाँ पे रोड पार करते हैं। सो अब मैं यहाँ पे अपना पूरा रोड का नियम का पालन करते हुए मैं घर की तरफ जाता हूँ। ओ भाई रोड इस तरफ है भाई, रोड इस तरफ है भाई, देख नहीं रहे, जाने वाला रास्ता इस तरफ है, आने वाला रास्ता है भाई इस तरफ। ओ भाई पी 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 भाई पी पी, गाड़ी अड़ जा भाई। भाई मैडम को लगता है भाई कुछ हेल्प चाहिए, भाई मैडम को लगता है कुछ हेल्प चाहिए। ओ भाई कहीं ड्राइव कर दे क्या हम आपको? अः भाई मैडम को भी कहीं पर जाना ही नहीं होता। चलो भाई हमने तो भाई ये वाला दुकान खरीदी, जल्दी गाइस हम एक न्यू दुकान खरीदने वाले, अभी खरीद लेते गाइस। चलो भाई आओ भाई कोई न्यू दुकान खरीदते हैं, ये बड़ी पुरानी दुकान हो गई भाई। अरे यार हमारी बाइक ये देखना, हमारी बाइक की तो कोई इज्जत ही नहीं है, बीच पे रोड पे फेंकी हुई है। हाँ गाइस इसी बात पे एक इमोजी दे देना भाई, इसी बात पे एक इमोजी दे देना, यहाँ पे आप इमोजी दे सकते हो गाइस, हमें आप इमोजी दे देना गाइस। कौन सा इमोजी की मैं बात कर रहा हूँ? कॉमेंट पे यार, कॉमेंट पे इमोजी देना गाइस। मैं कहाँ पर लाऊँ गाइस ये खरीद लेगा ये वाली गाइस? मेरी बात से ना, मेरे ख्याल है गाइस ये पूरा पार्क खरीद लेते हैं गाइस। पार्क का डीलर से मैं बात करके आता हूँ, पार्क का डीलर देखो गाइस, ये जो लाल कलर की बिल्डिंग है ना, यहाँ पे कार के डीलर बैठते हैं, वहाँ पे स्कूटी और बाइक के डीलर और साइकिल के डीलर होते हैं। और मेन गाइस यहाँ पे पार्क के लिए मैं बातचीत कर लेता हूँ इस बिल्डिंग से जाके, क्या मुझे पार्क के लिए मुझे क्या मैं पार्क को ख़रीद सकता हूँ, एक बार यहाँ पे बातचीत करके आता हूँ। और गाइस देखते क्या ये हमें पार्क को ख़रीदने देगा, हमारे पार्क अपने लाएंगे भाई। तो फाइनली गाइस बातचीत करके मैं आ चुका हूँ। बहुत यार बहुत वो मेरे साथ चिल्लाया, पर गाइस जो भी हुआ मेरे साथ अच्छा ही हुआ। अच्छा क्या हुआ गाइस, पहले आप सब्सक्राइब करो तो मैं आपको बताऊँगा। नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन को दबाओ, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दो लेट्स वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। मैं गाइस ऐसी बहुत सारी अपडेट लाता हूँ इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम्स से रिलेटेड, तो आप चाहे तो एक बार सब्सक्राइब तो जरूर कर ही देना यार। भाई चाहने की बात नहीं होती भाई, हर एक बंदे को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो गाइस बात कुछ ऐसी है, बॉस ने कर दिया, हाँ हमने पार्क खरीद ली $1,000 में, $5,000 कमाए थे गाइस, $5,000 कमाए थे हमने यहाँ पे पार्क भी खरीद लिया। चलो भाई अच्छा है। ओ भाई स्कूटी है क्या ही है भाई, स्टंट मार रही है गाइस। गाइस निकलना पड़ेगा गाइस, थोड़े संभल के चलाएंगे गाइस। मुझे लगता है गाइस एक्सीडेंट हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा रिस्की मामला लग रहा है गाइस। पीछे करते गाड़ी को, इस तरफ लगाते गाइस, लगता है गाइस उछल के जाना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए। ओ भाई ओरे भाई भाई ऊपर 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 भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई। गाइस पिछली बारी हमारी पता है सारी साइकिल बिक गई थी, सारी की सारी साइकिल बिक गई थी। अब गाइज एक और टेंशन हो गई यार, उतनी दूर जाके अब, और यार और बहुत दूर है गाइज। मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ड्रॉप और आप कोई देगा क्या मुझे? अब भाई बहुत दूर है भाई हमारा एयरपोर्ट भी, भाई हमारा एयरपोर्ट तक है भाई, भागते हुए जाएंगे, इतनी हमारे पास हिम्मत कब से आ गए भाई, भागते हुए एयरपोर्ट तक जा रहे हैं भाई हम। वो भाई कितनी सारी भाई यहाँ पे भाई न्यू डीलरशिप में हम भागते हुए जा रहे हैं हम अपने एयरपोर्ट पर गाइस। तो देखना पड़ता है सामने वो लड़की भी जा रही है भागते हुए गाइस, यार ये बड़ा पंगा होता है गाइस भागते हुए जाने का यार। यार ये लड़की कैसे जा रही है, इसको रुक, इसको तो गोली से उड़ा दूँ भाई, पुलिस ना आ जाए भाई, पुलिस ना आ जाए भाई, डर होता है भाई, डर तो होता ही है भाई। ओ भाई कहाँ गई लड़की, कहाँ गई लड़की, कहाँ गई भाई, निशाना नहीं लगा गाइस इस लड़की को तो छोड़ूंगा नहीं। गाइस मर गई लड़की गाइस, उससे पहले भाई भाई पुलिस आ जाएगा, भागो भाई। गाइस जैबरा क्रॉसिंग से हमें भागना चाहिए गाइस, जैबरा क्रॉसिंग से ही निकलते हैं भाई। ओ भाई पुलिस ना आ जाए भाई, चलो भाई लड़की को मार देते भाई, हटा भाई हटा लड़की को भाई। गाइस अभी देखते हैं भाई, हम पूछ लेते हैं भाई कोई खरीदेगा तो खरीद लेगा भाई, अभी हम जाते हैं ना जो स्कूटी लेके आएंगे ना, इस बार ही पूछेंगे आतवाद भाई,
तुम्हें चाहिए भाई, जिस जो उसको भी चाहिए भाई इस बार हम दे ही देंगे भाई। अगर आपको भाई इसी तरह के लेटेस्ट एपिसोड चाहिए भाई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर दीजिएगा और साथ साथ कॉमेंट करिएगा अगला क्या मैं सामान कर दूँ। तो गाइस पता है रातों रात यहाँ पे भाई कोई भी चीज़ बिक जाती है, मैं जब गेम को ऑफ करता हूँ ना भाई अचानक से मेरा सामान बिक जाएगा। गाइस जितनी भी खाली जगह भेज रहे हो ना ये सभी जगह भरने वाली न्यू अपडेट के बाद। न्यू अपडेट क्या है, मेरे चैनल पे वीडियो आ चुकी है, जाके देख लेना। गाइस कैमरा को इस एंगल पे करके चलते हैं भाई, भाग भाई, ओ भाई रियल लग रहा है गाइस मुझे तो ऐसा। गाइस यहाँ पे लगता है ना गाइस, गाइस पता है इसमें ना एक ट्रक भी होना चाहिए था, ताकि भाई मैं ना यहाँ पे अपने स्कूटी स्कूटी को ना यार ट्रक व्रक में बैठा के लाऊँ भाई, थोड़ा ठीक रहता है ऐसे। अब भाई एक एक करके ले जाने में ना ठीक नहीं रहता। गाइस मेरे हिसाब से ना हमें एरोप्लेन में ही कोई बंदोबस्त ढूंढना पड़ेगा। ये एरोप्लेन में ना गाइस बहुत वो है, बेकार सा ये एरोप्लेन भी गाइस ठीक ठाक नहीं है, पता हूँ आपको। देखो एरोप्लेन में मैंने बैठा, देखो इस एरोप्लेन में रखने की जगह ही नहीं है गाइस, देखो। देखो गाइस जल्दी कंट्रोल ही नहीं होता ये देखो गाइस, देखो अब जाके एक्सीडेंट हो भाई। एक्सीडेंट होने से पहले भाई मैं तो उतर लेता हूँ भाई। भाई उतर के भाई निकल लो भाई, कभी ब्लास्ट हो जाएगी भाई। ओ भाई डर लगता है भाई, भाई साहब एरोप्लेन कभी भी ब्लास्ट हो जाती है भाई। चलो भाई अब हमें यहाँ से निकल के भाई हमें सारी बाइकें बेचनी पड़ेगी। अब भाई एक एक बाइक मुझे वहाँ पे जाके सेट करनी। यार ये बड़ा वाला एरोप्लेन मिल जाए ना मज़ा आ जाएगा भाई, इसके विंग्स पर ना मैं यहाँ पे अपनी बाइकें रख दूँगा भाई। बाइक नहीं हमारे स्कूटी एक्टिवा की तो है भाई। आओ भाई किसी को बेच के आते हैं भाई स्कूटी। ओ गाइस स्कूटी भाई किसी को बेच के आते हैं। चलो भाई एक स्कूटी उठा ली गाइस मैंने तुरंत। गाइस मुझे लगता है ना मुझे ना ये खरीद लेना चाहिए सामने वाला, ये भी ठीक रहता गाइस अगर मैं खरीद लेता ना यहाँ यहीं से ही गाइस मैं अपनी स्कूटी ना हटा लेता और खरीद लेता और ठीक रहता, बेच भी देता मैं यहीं से भाई। क्या मस्त चल रही है भाई, क्या मस्त चल रही है। वीडियो पे लाइक कर देना भाई, इसी बात पे तो वीडियो पे लाइक तो होने चाहिए भाई। 1000 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ, 1000 लाइक का है, हर एक बंदे लाइक कर दे रहा भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई एक्सीडेंट होने से बच गया। ओ भाई बिल्डिंग से लग गई, बच गया भाई बच गया। चलो भाई पार्क का रास्ता, भाई पार्क का रास्ता नाप लो भाई, पार्क का नाश्ता। ओ भाई रोक दो भाई, बहुत स्पीड है भाई, बहुत ताड़। चलो भाई इस वाली स्कूटी को भाई अपने बॉस को हम भाई गिफ्ट दे के आ दे क्या भाई, जल्दी से बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो भाई, नहीं तो भाई छोड़ो भाई बॉस वॉस को कौन गिफ्ट देगा यार। बॉस थोड़ी ना हमारा पैसों से दे के खरीदते, सामने एक ना भाई सामने देख सकते गाइस एक कार आ रही है, कार को किडनैप कर ले क्या भाई, रुक जाओ भाई, देखो भाई कार को किडनैप कर लेते हैं हम भाई, कहीं ठोक ना दे, रुक जाओ भाई रुक जा, क्या ज्यादा चौड़ा हो रहा है हमारे सामने, पता नहीं है कौन है, बाहर निकाल इसको, चल बाहर निकल। एक तो उतना टाइम लग रहा है गाइस, इसी बात पे लाइक। ओ भाई उसको टांगे फेंक दिया गाइस मैंने, लाइक कर देना। ओ भाई क्या न्यू गाड़ी मिल गई भाई तुम्हारे भाई को भी। ओ भाई कितनी रफ्तार है ब्रो, भाई रहने, ओ भाई यार रफ्तार थी भाई इस गाड़ी की भाई साहब। ओ गाड़ी पता गाइस गाड़ी उछल के गई थी भाई, उछल के बिल्कुल भाई सामने मुझे, भाई मुझे तो डर लग रहा है यार सामने भाई, भाई मेरी गाड़ी को कोई नुकसान ना होगा भाई, मेरी गाड़ी को भाई पैसों से खरीदी गाड़ी है भाई। ओ भाई हाँ कल की गाइस मैं भी जानता हूँ ये सब भी पैसों के घर पर, गाइस चोरी करने में जितना मजा है ना। ओ गाइस क्या उछाल के गाड़ी चलाई मज़ा आ गया भाई, इसी बात की तो एक कमेंट तो कर ही देना यार तुम लोग, यार कमेंट क्यों नहीं कर रहे भाई, कमेंट तो करो यार, तुरंत कमेंट करा करो यार तुरंत, कोई भी नई बात है भाई, इसके ऊपर इसको चढ़ा देते हैं भाई, चल बाहर निकल। ओ गाइस गाड़ी तो टूट रही है, रुक जाओ एक तरकीब भाई है, पहले से सामने से चला के ला दूँ फिर यहाँ पे मैं मोड़ता हूँ गाड़ी को। अब गाइस अब यहाँ पे मतलब क्या करना है मुझे धीरे धीरे करके ना इसके ऊपर चढ़ा देना है,
ताकि गाइस, ओ भाई चढ़ गई चढ़ गई। ओ भाई इसके ऊपर क्यों नहीं चढ़ रही है? बे यार नुकसान करवा देगी मेरा। भाई लगता है इसके ऊपर, पता नहीं भाई ये क्यों नहीं चढ़ रही इसके ऊपर ये। ओ भाई रुक जाओ गाइस, मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम है इस गाड़ी को, तो मैं बताऊंगा डियो जरा। गाइस वैसे भी गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है मुझे लग रहा है भाई, हमारी वाली न्यूज ही आ रही है भाई। ये मेरी भी गाड़ी को यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ओ रुक जा रुक जा रुक जा, ओ भाई मेरी गाड़ी को टोक दी, ओ भाई मेरी गाड़ी को टोक दी, पैसों से कर दी गाड़ी थी समझ ही गया। ओ गाइस मेरी गाड़ी को टोक दी, कैसी आवारा सी गाड़ी उस बंदी की, सड़ेली गाड़ी है भाई। गाइस मेरे हिसाब से ना इसको बताऊँ क्या रखता हूँ मैं, इसको ना यहाँ पे इस तरफ मुंह करके रख देता हूँ। गाइस अब यहाँ से उतर के जाता हूँ, अब मैं अपनी स्कूटी को लेके आता हूँ, स्कूटी को मेरे को इसके ऊपर चढ़ा के ले जाऊँगा ना गाइस। तो भाई इस स्कूटी को अगर मैं इसके ऊपर चढ़ा के ले जाऊँगा तो पता है क्या होगा, तो जल्दी पहुँच जाएंगे भाई हम। भाई सामने रेड कलर की कार देख सकते हो भाई, एक दिन मैं इतना अमीर होऊंगा ना भाई, सब कुछ खरीद लूँगा गाइस सब कुछ। ये एरोप्लेन भी क्या चीज़ है, ये हवाई अड्डा लिखा हुआ है गाइस, क्या नाम है इसका, एयरपोर्ट है गाइस तरफ तो, नागपुर एयरपोर्ट भाई, नागपुर एयरपोर्ट है भाई इधर। अब अपनी स्कूटी लेके आते भाई, हमारी स्कूटी का नुकसान करवा दिया उस इस गाड़ी तो गाइस मन कर रहा है यहाँ से उछाल के भेज दो। ये क्या गाड़ी, इसको रुक जाओ गाइस, अब तो मन कर रहा है इस यहाँ पे गोली चलाऊँ मैं। ओ भाई इस एयरप्लेन को उड़ा दूंगा गाइस, बस एयरप्लेन ही तो उड़ाना था, एयरप्लेन उड़ गया क्या एयरप्लेन? ओ भाई एयरप्लेन में लग गई गाइस, आग लग गई एयरप्लेन में। ओ भाई वीडियो पे लाइक कर देना भाई, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर पता नहीं भाई मज़ा तो आपको पूरा आ ही रहा होगा भाई, आप जो चाहते हो मैं वही करता हूँ। इसी बात पे 10,000 लाइक तुरंत कंप्लीट करा देना भाई। अब गाइस बस मुझे इसको ना भाई इसको ना ऊपर बैठाना है मेरे को। चलो भाई यहाँ से लेके निकलते हैं इसको। ओ हमारी कार कहाँ गई? अरे भैया हमारी यहाँ पे मैंने अभी कार लगाई थी, मेरी कार है क्या यहाँ पे, चोरी कर ली मेरी कार। ओ भाई स्टंट थोड़ा कर लेते हैं अपनी एक्टिवा स्कूटी से। ओ भाई कितने मस्त यहाँ पे, ओहो चलो भाई यार हमारी देखते हैं भाई, हम लोग इसको इससे गाड़ी से आगे निकल दूंगा भाई, रेस लगाया क्या मेरे से, रफ्तार होनी चाहिए रफ्तार भाई, बहुत बड़ा क्रेजी है। चलो गाई जिधर से निकलते हैं हम अपने बॉस के पास चलते हैं भाई। ओ गाइज एक बार मैं आपको कार का रेट पूछ के दिखाऊँ अगली वीडियो पे ना गाइस, कार ही खरीद लेंगे भाई, येरी लाल बिल्डिंग। चलो गाइज इस बारी भाई मैं कहाँ पे कार के बारे में पूछ के आता हूँ भाई, कार का क्या रेट चल रहा है भाई। सो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे अपने डीलर से बात कर ली, तो डीलर ने कहा भाई कार का रेट भाई इस समय बहुत गिरा हुआ है भाई, इसी समय भाई आज 2-3 दिन के लिए भाई कार का रेट बहुत गिरा हुआ है, कार बहुत सस्ते मिल रहे हैं भाई। मैं तो चाहता हूँ भाई $1,000 की एक कार आ रही है भाई, $1,000 क्या अगर हमारी स्कूटी बिक जाएगी ना तो गाइस कार ले लेंगे हम। चलो भाई तुम्हारी भी एक बात मान लेंगे, अगर हमारी स्कूटी बिक गई ना, अगर तो इस बारी अगर हमारी स्कूटी बिक गई तो गाइस कार ले लेंगे हम भाई। गाइस आप लोग ना तुरंत कमेंट कर दो कि हमारी स्कूटी बिक जाए जल्दी से जल्दी, तो गाइस अगली बार तो कार तो लेंगे ना गाइस, और भी काफ़ी ज़्यादा मजे आएंगे अगली वीडियो पर। आप भी देखना बस अगली वीडियो पर बहुत ज़्यादा, अगली वीडियो पर गाइस मैं पूरा यहाँ पे बोताड़ कर दूंगा अगली वीडियो पर। और आप बताओ तो, ओ भाई कौन सी गाड़ी चला रहा है आजकल, कौन से नशे हैं सस्ते नशे। चलो गाइस इस वाली बाइक को मैं बिल्कुल बीच में लगा देता हूँ। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पर नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, बाय बाय फ्रेंड्स।